दोस्तों पाई नेटवर्क में जिसका सबको इंतजार है वो केवाईसी प्रोसेस कैसे कंप्लीट है उसका लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग यहाँ देखने को मिलेगा। तो शांति से वीडियो देखते रहिए, कुछ भी स्किप ना करें, क्योंकि एक स्टेप भी मिस हो गया तो आपकी सारी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए केवाईसी के सभी स्टेप के बारे में पहले से ली हुई जानकारी काम में आएगी। सबसे पहला मैसेज ये आएगा जिसमें लिखा है कि आप केवाईसी यानी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए सिलेक्ट हो गए हैं और 15 मिनट के अंदर आपको केवाईसी प्रोसेस स्टार्ट करनी है। ऐसा नहीं है कि 15 मिनट में केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करनी है, आपको अगली 15 मिनट में प्रोसेस शुरू कर देना है। शुरू करने के बाद कुछ लोगों को ज़्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि इंटरनेट की स्पीड, मोबाइल टाइपिंग करने की स्पीड सबकी अलग अलग होती है। तो सबसे पहला मैसेज देखते ही तुरंत ओपन पाई ब्राउज़र बटन पर क्लिक करना है, चाहे आपके मोबाइल में पाई ब्राउज़र इंस्टॉल हो या न हो। ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपको केवाईसी के पहले जान लेनी ज़रूरी है, ताकि जब भी केवाईसी का मैसेज आए तो घबराहट में या जल्दबाजी में कोई गलती ना कर बैठे। इसलिए इस वीडियो को हर रोज़ टाइम निकाल के एक दो बार ज़रूर देखें और पूरी तैयारी के साथ केवाईसी के लिए रेडी रहें। और हाँ, आपने अपने इनविटेशन से जिनको भी जोड़ा है उनको भी ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि उनका केवाईसी भी आपके लिए ज़रूरी है। अपनी रेफरल टीम और सिक्योरिटी सर्कल में जुड़े हुए लोगों का केवाईसी कंप्लीट होगा तो ही उनकी वजह से आपने जो बोनस पाई माइन किए हैं वो आपको मिलेंगे। केवाईसी के लिए तैयार रहने के लिए सबसे पहले पाई ब्राउज़र अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखें। देखिए, पाई एप्लीकेशन और पाई ब्राउज़र दोनों अलग अलग चीज़ हैं। उसके बाद अपने मोबाइल का कैमरा की कैपेसिटी देखने के लिए अपने मोबाइल में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से किसी की भी दोनों तरफ की फ़ोटो खींच कर देखें कि किसमें सब डिटेल क्लियर दिख रही हैं। और वही चीज़ हमेशा अपने पास रखें जब तक केवाईसी नहीं हो जाती। अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा भी चेक कर लें, इंसान जिंदा है उसका लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग करने में ये काम आता है। मोबाइल स्क्रीन पर अपना नाम और पता अंग्रेजी में टाइप करना सीखें, हर रोज़ प्रैक्टिस करें, या फिर पहले से ही टाइप करके रख सकते हैं ताकि बाद में कॉपी पेस्ट कर सकें। वही नाम और पता टाइप करें जो आपके आईडी में है, स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल ना करें। जब आपके पास 5 या 10 मिनट का फ्री टाइम हो तभी पाई एप्लीकेशन ओपन करें। अगर आप ऑफिस में हो या कुछ काम से बिजी हो कि मीटिंग में जाने वाले हो तब पाई नेटवर्क को ओपन ना करें, क्योंकि एक बार आपने इसे जाने दिया तो बाद में कितनी देर हो सकती है ये कहना मुश्किल है। दुनिया में 50 मिलियन के ऊपर पायोनियर्स हैं, इसमें रैंडम सिलेक्शन होता है। अगर आपके पास एक पाई से ज़्यादा है तो आज से जब भी पाई ऐप ओपन करें तो ये तैयारी के साथ सोचकर ही करें कि अगर केवाईसी का मैसेज आएगा तो मैं कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं। आइए अब देखते हैं कि पाई ब्राउज़र में इस केवाईसी के बटन पर क्लिक करने से ये स्क्रीन आएगी, जिसमें सबसे पहले कंट्री रीजन जो आपके आईडी में लिखा है वही कंट्री सिलेक्ट करनी है, और नीचे ये चार ऑप्शन में से आपके पास अभी जो भी आईडी है वो सिलेक्ट करना है। उसके नीचे तीन छोटे चेकबॉक्स पर क्लिक करके ये टिक मार्क करना है। पहले चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अग्रीमेंट दिखाएगा। अगर आप उसके नियमों से एग्री हैं और आई एग्री पर क्लिक करके अनुमति देते हो तो इस पर टिक मार्क आ जाएगा। उसी तरह आप 18 साल कंप्लीट कर चुके हैं तो दूसरे बॉक्स पर क्लिक करिए। तीसरा चेकबॉक्स ये कहता है कि आप अपने वैलिडेटर को एक पाई देने के लिए एग्री हो। ये तीनों टिक मार्क करने के बाद लेट्स गो बटन पर क्लिक करना होता है। अगले स्टेप में आपको आने वाले 4 स्टेप की जानकारी दी जाएगी, उसको पढ़ के नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। नेक्स्ट स्टेप में आपको कैसे अपने आईडी कार्ड की फ़ोटो खींचनी है वो दिखाता है। मोबाइल लैंडस्केप मोड में, यानी मोबाइल को 90 डिग्री घुमा के यहाँ ग्रीन कलर में दिखाया है, उस तरफ फ़ोटो खींचनी है। इसमें लाइट का ध्यान रखें और सारी डिटेल पढ़ सकते हैं उसका भी ध्यान रखें। आई एम रेडी बटन पर क्लिक करेंगे तो ये आपके मोबाइल के कैमरे का उपयोग करने की अनुमति मांगेगा। यहाँ अलाउ बटन पर क्लिक करें और नेक्स्ट स्क्रीन में एड फ्रंट फोटो बटन पर क्लिक करें तो ये कैमरा चालू कर देगा। फ़ोटो खींच के नेक्स्ट पर क्लिक करें। उसी तरह आईडी कार्ड की बैक साइड का फ़ोटो खींचना है। दोनों फ़ोटो खींचकर नेक्स्ट करेंगे तो ये स्क्रीन आएगी, जिसमें फ़ोटो को घुमा सकते हैं, यानी कि रोटेट कर सकते हैं, बड़ा करके देख सकते हैं, और अगर फ़ोटो ठीक नहीं खींचा है तो रिमूव बटन क्लिक करके फिर से फ़ोटो खींच सकते हैं। अगर दोनों फ़ोटो सही है तो नीचे नेक्स्ट टैप बटन पर टैप करके नेक्स्ट स्क्रीन पर आ जाए। यहाँ ये सारी डिटेल डालनी है। याद रहे, जो डिटेल या स्पेलिंग आईडी कार्ड के ऊपर है वही टाइप करें। दो चीज़ें ऑप्शनल है, मिडल नेम और एड्रेस लाइन 2। इसमें कुछ ना डालें तो भी चलेगा। यहाँ जेंडर के सिलेक्शन में 3 ऑप्शन दिए हैं और जन्म तारीख को ऐसे सिलेक्ट करें। पहले 2022 पर टैप करेंगे तो ये लिस्ट दिखाएगा, उनमें से साल सिलेक्ट करें। फिर उसी तरीके से जून पर टैप करेंगे तो ये 12 महीने का लिस्ट दिखाएगा, उनमें से मंथ सिलेक्ट करें, और उसके बाद तारीख पर टैप करें। एड्रेस डालने के बाद नीचे सिटी, स्टेट और जिप कोड को अपने आप आईडी में से ले लेता है, वो चेक करें। सही ना हो तो सही स्पेलिंग डालें, फिर कंट्री सिलेक्ट करें
और लास्ट फील्ड में अपने आईडी का नंबर एंटर करें। यानी आपने आधार कार्ड का फोटो लिया है तो आधार कार्ड का नंबर डालें और पैन कार्ड का फोटो लिया है तो पैन कार्ड का नंबर डालें। सब डिटेल एक बार फिर से चेक करके नेक्स्ट टैब बटन पर टैप करेंगे तो यह डाटा अपलोड करना शुरू करेगा। जब तक अपलोड नहीं होता तब तक इंतज़ार करें, पाई ब्राउजर को क्लोज ना करें और ना ही कोई दूसरी ऐप खोलें। तीसरा स्टेप आएगा जो है आइडेंटिटी कन्फर्मेशन। इसमें आपका वीडियो रिकॉर्ड करना है और दांत दिखा के स्माइल देनी है। अपने फेस ऊपर लाइट आए उस पोजीशन में आइए, फिर आई एम रेडी पर टैप करें और नेक्स्ट मैसेज में स्टार्ट रिकॉर्डिंग बटन पर टैप करें। फिर मोबाइल के कैमरे के सामने देखिए, वो अपने आप फोटो खींचेगा और जब स्माइल लिखा हुआ देखें तो दांत दिखाकर स्माइल भी करें। ये हो जाने के बाद आपको खींचे हुए डॉक्यूमेंट के फोटोज और आपके दो फोटोज दिखाएगा। अगर सब कुछ सही लगे तो आप सबमिट एंड पे बटन पर क्लिक करें। ये और एक बार चांस देगा सब कुछ चेक करने के लिए कि अभी भी आपको कुछ एडिट करना है तो नो वाला बटन दबाइए और सब डिटेल आईडी कार्ड के हिसाब से सही है तो यस बटन दबाइए। एक बार यस वाला बटन दबाया तो आप वापस नहीं जा सकते और आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू का आखिरी मैसेज आएगा। यहाँ आप सी स्टेटस बटन पर क्लिक करके अपनी KYC का स्टेटस देख सकते हैं जो कि कुछ ही मिनटों में अप्रूव भी हो जाती है अगर सब कुछ सही है तो। और इस तरह KYC पास हो जाने का मैसेज भी पाई के ब्राउजर में KYC पर क्लिक करने से देखने को मिलेगा। अंत में इतना ही कहना है कि अगर किसी को KYC नहीं आती है तो उसकी मदद करिए, उसको ये वीडियो दिखाकर KYC को आसान बनाइए।